हमें सब ये बताइएगा कि पाकिस्तान की तारीख में कई दफ़ा हमने देखा है कि बाज़ औक़ात जो आइनी लिहाज से बड़े आइडियल इकदाम लिए जाते रहे हैं, लेकिन अमली सूरत हाल जो है वो इस आइडियल के लिए तैयार नहीं होती। जैसा कि आप देख लें कि नवाज शरीफ ने जो 58(2)(b) को ख़त्म किया, तो थ्योरेटिकली ये बहुत अच्छा इकदाम था, लेकिन अमली सूरत हाल जो है वो इस इकदाम के मुवाफिक नहीं थी। और 58(2)(b) के जो कॉन्स्टिट्यूशनल वेंट था उसको बंद करने का नतीजा जो है वो मार्शल लॉ की सूरत में बरामद भी हुआ। तो क्या आप समझते हैं कि हमारी जो कौम है और हमारा कौमी शऊर है वो इतने आइडियल लेवल की सूबाई खुद मुख्तारी के लिए तैयार भी हैं या फिर नहीं? क्योंकि रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि PTM जैसी जो मरकज गुरेज तहरीक हैं वो सामने आई हैं और मरकज मुखालिफ जज्बात में इजाफा भी हमने देखा है। तो क्या बतौर कौम हम इस दर्जे की इलाकाई खुद मुख्तारी को हजम करने के काबिल भी हैं या नहीं? देखिए, बात यह है कि इस हद तक तो आप जो कह रही हैं उसमें मेरिट हो सकता है कि कुछ आइडियल्स जो हम चाहते हैं परसू करना वो हमारे प्रैक्टिकल पॉलिटिकल रियलिटीज की वजह से उन तक बात नहीं पहुंचती और उन पर सही माने में दरामद होकर मकसद वो अचीव नहीं होता, ये शायद दुरुस्त हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो चीज़ें जो होनी चाहिए हैं वो आइडियल्स के मुताबिक ही होनी चाहिए, उनको अचीव करना हमारा मकसद होना चाहिए। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में ही वो मकासद कम कर देंगे, वाटर डाउन कर देंगे, आइडियल से नीचे आ जाएंगे, तो फिर हम मजीद प्रैक्टिकल सिचुएशन को और मजीद नीचे ले आएगी। इसलिए मेरे नज़दीक 58(2)(b) को ख़त्म करना असूली तौर पे बिल्कुल दुरुस्त था। अगर उसके नतीजे में कुछ कुवतें जो अपने इख्तदार को नहीं छोड़ना चाहती उन्होंने वो कुछ किया है तो वो गलत था। लिहाजा आइडियल इसी तरह जो सूबाई खुद मुख्तारी है ये बतौर एक फेडरल कॉन्सेप्ट के और पाकिस्तान के मखसूस हालात को सामने रखते हुए एक बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है और हमारी तो एक तारीख है इसके पीछे। हमने तो मशरकी पाकिस्तान गवाया ही ये खुद मुख्तारी के सारे झगड़े में है, क्योंकि सबसे बड़ा इशू डे वन से जो सामने आया था जब 1956 से पहले आइन साज असेंबली बैठी थी वो यही आया था कि मशरकी पाकिस्तान खुद मुख्तारी मानता था, लेकिन हम अपने मरकज को मजबूत रखना चाहते थे और मरकज की खातर हमने मशरकी पाकिस्तान गवा दिया। हमने 71 में इलेक्शन पर के रिजल्ट पर अमल दरामद नहीं किया। भाई ये एक वो इशू है जिस इशू पर पाकिस्तान ने सबसे बड़ी कीमत अदा की है, आप उस इशू को क्यों छेड़ते हैं? लिहाजा इसको इस इशू पर छेड़ना जो है ये मुल्क के किसी तौर पर भी मफाद में नहीं है।